अब आपके सिलेबस का पहली हेडिंग है ऑटोमॉर्फिज्म। अब ऑटोमॉर्फिज्म के लिए हमको बीएससी सेमेस्टर वन का होमोमॉर्फिज्म आना चाहिए, वो हमने पढ़ाया नहीं। अब जो रास्ते में जरूरत पड़ेगी तब हम बात करेंगे। इसमें कहा गया, हमने ये तो बता दिया कि ग्रुप क्या होता है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। अगर हम मान लें कि लेट जी बाइनरी एंड जी डैश बाइनरी डैश आर टू एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, हम आर टू नहीं बता रहे, तो बताया जा रहा है आर टू एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। ये दो जो है एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, ये दो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर हैं, और कहते हैं बी टू ग्रुप्स, ये दो ग्रुप्स हैं बी टू ग्रुप्स। जैसे ही हमने कहा कि ये दो ग्रुप हैं, आप समझ गए कि ग्रुप की चार प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, क्लोजर एसोसिएट नहीं, वो एबिलियन ग्रुप होता है। अगर मैं कहूं एबिलियन ग्रुप तब पांच प्रॉपर्टी होंगी, हमने ग्रुप बोला है सिर्फ ग्रुप बोला है। तो यानी कि ये चार प्रॉपर्टी आपके एग्जिस्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, नहीं कम्यूटेटिव एलियन में जाएगा ना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। देन एक मैपिंग है, मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश, यानी ये ऐसे लिखा जाएगा मैपिंग एफ सच दैट जी टू जी डैश एक मैपिंग है। अगर एक मैपिंग है देन एफ इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। एफ को क्या कहेंगे? आइसोमॉर्फिज्म। अब आप कहेंगे बात तो आप कर रहे थे ऑटोमॉर्फिज्म की। जी नहीं, मैं आइसोमॉर्फिज्म में से ही ऑटो निकालूंगा। आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे इफ, अगर ऐसा हो, इफ, ये आई डबल एफ का मतलब क्या होता है? आई डबल एफ इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है, एक मिनट थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दें। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो आगे कही गई बातों को सेटिस्फाई करेगा, अगर वो आगे कही गई बातों को सेटिस्फाई करा तो वो आइसोमॉर्फिज्म होगा। मतलब दोनों बातें हैं, दोनों तरफ से प्रूव होगा। इफ पहली बात, एफ इज वन वन मैपिंग, एफ तो मैपिंग है पहले बता दिया, एफ इज वन वन, एफ वन वन होना चाहिए पहली चीज। दूसरी बात, एफ इज ऑन टू, एफ कैसा होना चाहिए? ऑन टू होना चाहिए, ऑन टू मैपिंग होना चाहिए, ठीक है। वन वन को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, और ऑन टू को हम सर के ऊपर बैठना यानी सब्जेक्टिव कहते हैं, और ये दोनों हो जाएंगे तो इसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो हम एक साथ लिख सकते हैं कि एफ इज बाइजेक्टिव। और तीसरी बात, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। आप बोले गड़बड़ हो गया, तो होमोमॉर्फिज्म यानी अगर दो सेट हैं, एक जी और जी डैश है, इसमें बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है बाइनरी, इसमें बाइनरी डैश, कोई ओ और ओ डैश बोल देते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो अगर जी और जी डैश के बीच एक मैपिंग है, और मैपिंग कैसी है? वन वन है, ऑन टू है, और एफ होमोमॉर्फिज्म है। अभी बता रहे होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, ये होमोमॉर्फिज्म से ही हम वहां खत्म किए थे सेमेस्टर थ्री में, उसके बाद ये उठा आइसोमॉर्फिज्म, देन इट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म, तब इसको आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। समझने की बात नहीं है। अब प्रॉब्लम ये, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, तो होमोमॉर्फिज्म क्या होता है ये आपको करने की जरूरत पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बता देते हैं। देखिए होमोमॉर्फिज्म होता क्या है, अगर मैं मान लूं कि जो जी ग्रुप है वो प्लस ऑपरेशन पर डिफाइंड है, ठीक है, और जी डैश ग्रुप है जो वो इनटू पे डिफाइंड है, ठीक है, और हमने कहा एफ सच दैट जी टू जी एक मैपिंग है, और मैंने कहा एफ एक्स बराबर मान लेते हैं ई टू पावर ए प्लस बी है, ठीक है, एफ एक्स बराबर है ई टू पावर ए प्लस बी है, सॉरी ई टू पावर एक्स है, एक्स, ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है। तो अब बताना है ये होमोमॉर्फिज्म कैसे होगा। देखिए अगर मैं एफ और एक्स कहां को बिलोंग करता है, फॉर एक्स बिलोंग टू जी, एक्स कहां को बिलोंग करता है, जी को भी करता है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, यहां पर जी टू जी डैश लिख दीजिएगा, अगर मैं एफ ए प्लस बी लिख दूं तो एफ ए प्लस बी एफ ई टू पावर ए प्लस बी आएगा,
भाई जो एफ एक्स था तो ई टू पावर एक्स था, तो जो भी एफ के साथ है वो ई की पावर में आ जाएगा। अच्छा इसको आप एफ क्या लिखा हूं बार बार, ई टू पावर ए इंटू ई टू पावर भी लिख सकते हैं, ई टू पावर ए आपका एफ ए हो गया, नहीं हो गया, और ई टू पावर बी आपका एफ बी हो गया, और ये ऑपरेशन कहां का हो गया, दूसरे वाले का, मतलब किया आपने, क्या आपने किया है एफ ए बाइनरी बी, लेकिन यहां मिल गया एफ ए बाइनरी डैश एफ बी, ठीक है, तो वहां पर बाइनरी डैश आ गया, डैश आ गया, एफ ए बाइनरी बी क्या, बाइनरी ऑपरेशन किसका था, जी का, लेकिन अब इधर कौन सा आ गया, जी डैश का, तो अगर इस प्रॉपर्टी को कोई फॉलो करे तो इसको होमोमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया होमोमॉर्फिज्म कि अगर वो फंक्शन वन वन हो, वो फंक्शन आंटू हो, वो फंक्शन होमोमॉर्फिज्म हो, तो उसको हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे भाई आप तो बात कर रहे थे ऑटोमॉर्फिज्म की, तो ऑटो तो आपने चलाया नहीं, ऑटोमॉर्फिज्म में थोड़ा सा इसमें बस थोड़ी सी थोड़ा सा चेंज किया गया, अभी तक मैपिंग जी से जी डैश में हो रहा था ना, अब मैपिंग जी से जी हो जाएगा, बस ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी कि अगर इस आइसोमॉर्फिज्म एन हम तो इसमें कहेंगे एन आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ऑफ जी ऑफ अ ग्रुप जी, ऑफ अ ग्रुप जी ऑन टू इटसेल्फ, ऑन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म, इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म, इसी को ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर f such that g to g dash था ना, अब g to g हो जाएगा, और एक तो ये on two होगा और दूसरा ये one one होगा, दो प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ठीक है, और होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, तो इसको हम कहेंगे ये ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटो में, यानी कि यहां पर जो होगा होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होगा कि फॉर ऑल, या अगर हम एफ ए बाइनरी बी लिखेंगे तो ये आएगा एफ ए बाइनरी एफ बी, ये आपको होमोमॉर्फिज्म होता है, क्योंकि वहां पर बाइनरी डैश था, क्योंकि हम जो वो ले रहे थे वो जी से जी डैश ले रहे थे, यहां सेल्फ में ले रहे हैं, इसलिए होगा, ठीक है, अब यहां पर एक एग्जाम्पल से टेस्टिंग करें ज्यादा बेहतर होगा, तो डेफिनेशन होगी जाकर के, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तब समझ ज्यादा आएगा। अच्छा ऑटोमॉर्फिज्म में एक ट्रिवियल होता है, एक नॉन ट्रिवियल होता है, ट्रिवियल वर्ड आपने सुना है, ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ट्रिवियल कौन सा, कुछ लोग ट्राइबल पढ़ते हैं, कुछ लोग ट्रिवियल पढ़ते, ट्रिवियल जब कोई भी चीज प्रूफ करनी है, अब बिना प्रूफ किए आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि यार ये देखो ऐसा होगा, तो ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि 3x प्लस 4y बराबर 0, 7x प्लस 8y बराबर 0, बिना कहे इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि x का मान यहां 0 आएगा, y का मान यहां 0 आएगा, आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आएगा ही आएगा, तो ये ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, और जहां पर टेस्ट करना पड़ेगा नहीं आएगा नहीं आएगा, तो वो नॉन ट्रिवियल होता है, ठीक है, तो ऑटोमॉर्फिज्म में भी एक ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म होता है, एक होता है ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करता है, यानी कि मैपिंग, एक मैपिंग आई लिख देते हैं, आई सच दैट जी टू जी, ऑटोमॉर्फिज्म पहली बात तो मैपिंग उसी सेट के उसी सेट में होती है, इज डिफाइंड बाय, इज डिफाइंड बाय आई एक्स बराबर एक्स, इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, एंड दिस ऑटोमॉर्फ इज एन ऑटो एंड ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म अभी बता रहे कैसे, एंड नोन एज ट्रिवियल, known as trivial automorphism, trivial automorphism, automorphism, कैसे भाई कैसे हो गया, सुनिए ध्यान से, आप जब g to g करेंगे
तो जी में कौन से एलिमेंट होंगे, जी के, और इसमें किसके होंगे, जी के। अब आई एक्स बराबर एक्स, ये हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर रहा है, तो बताइए वन वन होगा नहीं होगा, इधर वन लिखोगे तो उधर वन आएगा, इधर टू लिखोगे इधर टू आएगा, इधर थ्री लिखोगे इधर थ्री आएगा। अच्छा क्या उधर कोई एलिमेंट छूटेगा, कोडोमेन में नहीं छूटेगा, यानी अनटू होगा, अनटू होगा। और ऑपरेशन चाहे जो लगा दो आप, जैसे मैं मल्टीपल ऑपरेशन ले रहा हूं, अगर आई एक्स इंटू वाई करूंगा तो यहाँ एक्स इंटू वाई होगा, और एक्स इंटू वाई को लिखेंगे आई एक्स इंटू वाई वाई नहीं होगा, अगर मैं आई एक्स प्लस वाई लिखूंगा तो यहाँ भी एक्स प्लस वाई आएगा, और ये है आई एक्स प्लस आई वाई। अगर मैं एक्स अपान वाई लिखता हूँ आई में तो यहाँ भी एक्स अपान वाई आएगा, यानी ये आपका आई एक्स अपान, यानी ऑपरेशन चाहे जो हो ये होमोमॉर्फिज्म को फॉलो भी कर रहा है। तो यानी कि ये ट्रिवियल होता है जब कोई एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर रहा है, ठीक है, समझी बात नहीं है। अब अगर कोई और क्वेश्चन हो उसको आपको वन वन आन टू प्रूव करना हो, भाई ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करना हो, तब क्या करेंगे, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये नोट कर लिया ना, समझ में बात आ रही है। देखिए एक तो पहले दिमाग से लगा दो कि हमारा वो आता है नहीं आता, नहीं आता क्या आता, अलग बात, जब कोई सेमेस्टर सी की बात आएगी तो बता दी जाएगी उसमें ये ऐसा होता है, हाँ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि एक ग्रुप है, गिवन है, मैं लिख लेता हूं आई प्लस, आई प्लस लिखो या कहीं नहीं जेड प्लस लिखा होगा, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, मतलब आई कहो या जेड कहो ये इंटीजर को रिप्रेजेंट, जेड कहो ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा इंटीजर के लिए आई ठीक है या जेड ठीक है, इंटीजर के लिए जेड क्यों लिखा जाता है, जेड जेड लिखा जाता है, नहीं इंटीजर की स्पेलिंग में तो जेड आता नहीं, तो जेड क्या लिखा जाता है, बेसिक से पढ़ते चले हैं जेड इंटीजर पढ़ते आ रहे हैं ना, लेकिन वो बताया नहीं गया था। एक जर्मन वर्ड है जेहलन, जेहलन जर्मन वर्ड है, उसमें नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया जेहलन, तो जेहलन का मतलब नंबर सिस्टम से होता है, तो वो जेड वहां से आया हुआ है, ठीक है भाई। जैसे जैसे आप नंबर लिखते हैं शॉर्ट में तो आप एनओ लिखते हैं ना, भाई स्पेलिंग में ही ओ नहीं तो वो कहां से घुसड़ दिया आपने, भाई नंबर की जैसे हमारा नाम एपी वाजपेयी है और हम लिखते हैं आई एम एजेड, नहीं वो वाला एजेड नहीं है, तो जेड कहां से घुस गया, बोले आपकी स्पेलिंग के अंदर ही जेड है भाई, आप आत्मा प्रकाश वाजपेयी, हम एपी लिख दें ए आई लिख दें उस स्पेलिंग के अंदर दो वर्ड हम ले लें, लेकिन जो स्पेलिंग के अंदर ही नहीं कहां से घुस गया करके, तो नंबर एनओ कहां से आ गया। तो जैसे हम साइंस के अलग अलग ब्रांच पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, वैसे नंबर सिस्टम की एक ब्रांच होती है न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी अंक विज्ञान, आपने पढ़ा होगा न्यूमरोलॉजिस्ट भी होता है, आपका नंबर बताएंगे, अच्छा आपके डिजिट का सम 5 आ रहा, तुम बड़े भाग्यशाली होते लेकिन ये नंबर गड़बड़ कर गया, ये लीकेज हो गया यहां से पैसा उधर नाली में जा रहा है, आप अरबपति होते लेकिन आपको बहुत स्मार्ट हीरोइन मिलती लेकिन हमका ये लेकिन तो हमको मालूम है लेकिन गड़बड़ है, ठीक है। तो ये ओ जो है न्यूमरोलॉजी का एब्रिविएशन है, इसका शॉर्ट नंबर, खैर उससे मतलब नहीं है, हमें जेड से मतलब था, तो मैं फिलहाल आई प्लस लिखे दे रहा हूँ, जेड इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि जेहलन बढ़ रहा है। अब आई प्लस बी ए ग्रुप, हमने एक एल्जेब्रिक क्वेश्चन लिखा कि आई प्लस बी ए ग्रुप, ठीक, और अब मैपिंग एक है, अब मैपिंग हम दिखाना चाहते हैं कि ऑटोमॉर्फिज्म कैसे हुआ, आई सच दैट एफ सच दैट आई टू आई एक मैपिंग है, सच दैट ये दिया है एफ एक्स बराबर माइनस एक्स, एफ एक्स बराबर माइनस एक्स इस प्रकार से, इस कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म, इस कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म, ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा, क्या मतलब हुआ जरा समझने की कोशिश करो, जब एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स लिखते हैं तो ये एक्स कहाँ का होता है, ये एक्स कहाँ का होता है, ये एक्स आपका डोमेन का है और जो रिजल्ट मिल रहा है वो कोडोमेन, तो जो एलिमेंट लेंगे उसका नेगेटिव वहां पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑटोमॉर्फिज्म के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको तीन प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेंगी, देखिए पहली बात तो खुद से खुद में है, तो वही तीन प्रॉपर्टीज आइसोमॉर्फिज्म की भी होती है, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म में एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ मैप करता है, यहां पर जी के ही एलिमेंट है, इसी के एलिमेंट है, इसी के साथ मैप कर रहे हैं, तो अगर हम वन वन प्रूव कर दें, अगर हम आन टू प्रूव कर दें, और अगर हम होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दें, अगर तीन प्रॉपर्टी प्रूव कर दें तो हम इसको ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। तो हमने कहा इट इज ऑटोमॉर्फिज्म इफ, पहला पहले तो वन वन होना चाहिए, अब वन वन के लिए क्या करें,
तो एक तो देखने से लग रहा है कि हर एक नंबर इधर का अपने नेगेटिव से जुड़ रहा है, वन माइनस वन से जुड़ रहा है, टू माइनस टू से जुड़ रहा है, थ्री माइनस थ्री से जुड़ रहा है, ठीक है, माइनस वन वन से जुड़ रहा है, माइनस टू टू, भाई इधर नेगेटिव करो उधर पॉजिटिव आ जाएगा, तो वन वन हुआ, ऐसे काम चल जाएगा, ऐसे हमने बोल दिया काम चल गया। क्या तरीका होता है वन वन टू करने का, मैथमेटिकल तरीका क्या होता है, यहां पर दो एलिमेंट लिए जाते हैं एक्स वन एक्स टू और दोनों की इमेज सेम कर दी जाती है, मैंने दोनों की इमेज एक कर दी, क्या दोनों की इमेज सेम करोगे तो वन वन हो जाएगा, नहीं। ये तो भयंकर रूप से वन वन नहीं है, नहीं। तो बाद में प्रूफ कर दिया जाता है कि एक्स वन एक्स टू जो दो एलिमेंट थे दो नहीं है, वो एक ही है, वो दो नहीं है, खैर वो एपी बात भी वही है, वो विग लगाए हैं बाल में, वो गंजे वाले हैं, का अभी स्मार्ट बन रहे हैं, अभी देखो हम ऐसी बड़ी तेज पंखा चलाओ और अपने आप भी गुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका हम करेंगे, तो हम क्या करेंगे इस डोमेन में दो एलिमेंट बिलोंग कराते हैं इसमें, ठीक है, हमने माना लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आई, अब आई तो दो हो गए जाकर के, तो आई के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे डोमेन, मतलब कौन सा आई, सच दैट एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, हमने कहा दो एलिमेंट है डोमेन के उनके सेम इमेज है, यानी कि आपने जो वन वन कहा उसको हमने वायलेट कर दिया, नहीं वन वन नहीं है, मिनिमल हो गया, तो जब यहां रखेंगे इसका मतलब माइनस एक्स वन, इसका मतलब माइनस एक्स टू, तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, सो इट इज वन वन, सो इट इज वन वन, हो गया वन वन, नोट करिए, समझ से करिएगा, और ये इंटरमीडिएट में पढ़ाया गया है आपको, अब हम बाइजेक्टिव प्रूफ, सॉरी ऑन्टो प्रूफ करने जा रहे हैं, पहले वन वन लिखिए, अब हम ऑन्टो प्रूफ करने जा रहे हैं कि भाई ऑन्टो है कि नहीं है, ऑन्टो के दो तरीके हैं, एक तो थ्योरेटिकल आप देख लीजिएगा, सेकंड प्रॉपर्टी हम ऑन्टो, ऑन्टो को दूसरा नाम क्या है सरजेक्टिव, तो याद किए सर के ऊपर ऑन द सर, और दोनों हो गए तो बाइजेक्टिव, देखो अगर हम ध्यान से देखें तो को डोमेन में कोई भी एलिमेंट ले, अगर वन लिया तो समझ गए इधर माइनस वन का इमेज है, तो को डोमेन के हर एक एलिमेंट, यानी हम लिख सकते हैं कि फॉर ईच एलिमेंट एफएक्स, एफएक्स कहां बिलोंग करता है, एफएक्स एफएक्स डोमेन, एफएक्स एफएक्स को डोमेन, एफएक्स को डोमेन बिलोंग्स टू आई, आई बोले तो को डोमेन, देयर एग्जिस्ट एक्स इन डोमेन, नहीं हुआ मतलब को डोमेन के हर एक एफएक्स के लिए डोमेन में उसका एक्स एग्जिस्ट करेगा, सो इट इज ऑन्टो, सो इट इज ऑन्टो, एक तो ये तरीका हो गया लिखने का, जो हमने इंटर में पढ़ा जो मैथमेटिकल ये होता है, जरा देखिए ध्यान से, जब आप वाई बराबर एफएक्स लिखते थे तो एक्स कहां का होता था, यहां, और यहां क्या मिलता था वाई, अभी वाई का एड्रेस किसके द्वारा दिया जा रहा है, तो एक्स के टर्म में दिया जा रहा है, को डोमेन के लिए क्या करेंगे, हम यहां पहुंचेंगे इस वाई के पास पहुंचेंगे और वाई से पूछेंगे कि आप किसकी इमेज हो, आप किसकी इमेज हो, तो अपनी प्री इमेज को बताएगा, सब उनकी इमेज है, नहीं समझे, तो सेकंड तरीका क्या होता है कि हमारे पास ये जो रिजल्ट आया हुआ है इसको वाई मान लेते हैं, यही तो आपका यहां का एलिमेंट है ना ये, तो हम क्या मानेंगे लेट माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई मान लिया, तो एक्स का मान क्या हो गया माइनस वाई, सो यहां लिखेंगे तो एफ, अगर हम मान लेंगे y बराबर fx लिखा हुआ है तो इसका मतलब f माइनस y इज इक्वल टू y होगा, y माइनस f माइनस y इज इक्वल टू x को हमने माइनस y लिख दिया ना, यहां लिख के यहां वैल्यू लगा दिया तो f माइनस y इज इक्वल टू y हो गया, y कहां का एलिमेंट है, y हमारा कोडोमेन का, कोडोमेन का है, और रिजल्ट में कौन दे रहा है डोमेन, अब हम देखो पहुंचेंगे किसके पास, अब y के पास जा रहे हैं, जरा देखिए ध्यान से, यहां इंटीजर है, यहां भी इंटीजर है, यहां भी इंटीजर, यहां भी इंटीजर, यहां वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू थ्री, वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू थ्री, बहुत सारे एलिमेंट है, हम वन के पास पहुंचे, हम वन के पास पहुंचे, हमने वन से कहा ये एक्स है ना, ये एक्स है ना, एक्स का एलिमेंट होता है डोमेन का, हमने वन से कहा आप किसके इमेज हो, हमने यहां वन तो किसका इमेज है माइनस वन, तो उसने कहा हम माइनस वन की इमेज है, तो क्या माइनस वन यहां है कि नहीं है, ठीक, हम टू के पास पहुंचे, हम टू के पास पहुंचे, हम पर किसके इमेज हो, उसने कहा माइनस टू के इमेज है कि नहीं है, है। तो यानी कि आप जिसके पास पहुंचोगे वाई के पास वो बताएगा हम किसके इमेज है, मेरी प्री इमेज कौन है,
तो आप लिखेंगे कि फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आई, आई बोले तो कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट माइनस वाई इन आई बोले तो डोमेन, सो इट इज अनटू। नहीं समझे भाई, कोडोमेन की हर वाई के लिए यहां पर अनटू में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो हर केस में होगा, जी नहीं, हर केस में नहीं होगा, जरा समझने की कोशिश करो। अगर मैं आपसे यहां पर नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ले लेता, ठीक है, और मैं कहता एफ एक्स बराबर एक्स बाई टू, ठीक है, ये वाई है ना, तो मैं एक्स बाई टू को मानता वाई, एक्स का मान क्या हो जाएगा टू वाई, ठीक है, या एफ एक्स बराबर टू एक्स ले लेता, तो टू एक्स को मानता वाई, एक्स का मान क्या आए, टू एक्स को मानता वाई, एक्स का मान आएगा वाई बाई टू, तो ये एफ वाई बाई टू बराबर वाई होता। अब यहां पर नेचुरल नंबर है और यहां पर नेचुरल नंबर है, ये वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन के पास पहुंचे, वन के पास वाई, वन के लिए यहां क्या होना चाहिए, हमने वन से कहा किसकी इमेज हो, बोले ये वन बाई टू की इमेज है, क्या वन बाई टू यहां पर है, ठीक है, वही खाने जुटे हुए हैं किसी पार्टी में, हम पहचानते नहीं, हम पहुंचे भैया किसके साथ आए हो, किसके साथ आए हो, बोले वो देखो वन बाई टू हमारे पापा है, वो देखो वन बाई टू, दूसरे दिखाए पापा वहां थे नहीं, बोले उन्होंने वन बाई टू को तो कार्ड ही नहीं दिया, तो यानी ये अनटू नहीं होगा, क्योंकि वन का टू होना है, टू का फोर होना है, इधर इवन ही नंबर थोड़े, तो ये अनटू नहीं भी हो सकता है, तो ये अनटू हो गया, सो इट इज अनटू। नोट करिए, लॉजिक समझ आया, आप इस तरीके से थ्योरेटिकल लिख सकते हैं, मेन मैथमेटिकल ये होता है, इंटर में मैथमेटिकल हमको पढ़ाया गया है, वो हमने बताया है कि भाई ये अनटू नहीं भी हो सकता है। अब तीसरा केस क्या होना चाहिए, एफ होमोमॉर्फिज होना चाहिए, तो फॉर एफ एज होमोमॉर्फिज, फॉर तीसरी प्रॉपर्टी एफ होमोमॉर्फिज, होमोमॉर्फिज क्या करेंगे, देखो एफ एक्स बराबर क्या दिया है, माइनस एक्स, अब हम दो एलिमेंट यहां लेते हैं, एफ एक्स प्लस वाई करेंगे क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस वाई आएगा, यानी ये माइनस एक्स माइनस वाई आएगा, यानी कि माइनस एक्स को एफ एक्स ले सकते हैं और प्लस इसको एफ वाई, भाई ये एक्चुअली में ऐसे लिखा है माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, एफ वाई ले सकते हैं, तो यानी कि ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, सो इट इज होमोमॉर्फिज्म, सो इट इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म आप लिखेंगे एज आई इज अ ग्रुप, इट इज वन वन डिजाइन टू इट होमोमॉर्फिज्म, सो I plus is automorphism. इसलिए क्या है ये automorphism. तरीका समझ आ रही है, तो ये automorphism का concept, ठीक है, पकड़ के आइए, ठीक है।